हरि ओम ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। इष्टदेव महाराज शिव शंकर के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव को ध्याते हैं, शिव को भजते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि शिव देवों के देव महादेव हैं और हर कष्ट को दूर करने वाले हैं। कालों के विकाल है, महाकाल है, शिव से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। शिव की यदि आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो आप जीवन में सब कुछ पा लेते हैं। शिव की पूजा से आपको 33 कोटि देव देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और सभी ग्रह आपके अनुकूल कार्य करते हैं। आपको वो सब मिलता है जो आप चाहते हैं, भोग मोक्ष सब कुछ जीवन में आपको मिलता है। इस जीवन में जीते जी आपको भोग प्राप्त होता है। भोग मीन्स भोग विलास, सुख सुविधा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा परिवार, अच्छा कारोबार, अच्छा व्यवसाय, अच्छी नौकरी, सब कुछ जो भी आप जिस भी क्षेत्र में आप आपकी एक अच्छी पकड़ है, आपको वो सब चीजें मिलती हैं जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है। शिव हर इच्छा को पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ लोगों के ऐसे प्रश्न थे कि शिवलिंग का जो हम स्नान करते हैं तो उससे क्या पुण्य प्राप्त होता है, उससे क्या होता है। इस पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। आज हम बात करें कि शिवलिंग स्नान करने पर आपको कितने देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और कितना आपको पुण्य मिलता है, कितने देवी देवताओं की सेवा का पुण्य मिलता है। तो जैसे कि हमने कहा 33 कोटि देवी देवता शिव पर अर्पित किए हुए जल पाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। शिव की सेवा जो करता है 33 कोटि देव देवता का आशीर्वाद उसको स्वतः ही मिल जाता है। शिवलिंग की बात आती है, शिवलिंग के नीचे का जो स्थान होता है वो मां जगत जननी मां पार्वती का हस्तकमल है। उसके साथ जो निचला स्थान होता है, बिल्कुल शिवलिंग के बिल्कुल नीचे का जो स्थान होता है वो ब्रह्मा जी का स्थान होता है, वहां पे ब्रह्मा जी का वास होता है। और शिवलिंग के मध्य का जो स्थान होता है वो विष्णु जी का प्रतीक होता है। और शिवलिंग का जो सबसे ऊपर का स्थान होता है वहां पर स्वयं शंकर महादेव, महेश गौरी शंकर महादेव का स्थान होता है। जब भी आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो ये सोचिए कि आप 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा कर रहे हैं। शिवलिंग पे शिव का पूरा परिवार रहता है, 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, क्या कराया, तंत्र बाधा, ग्रह दशा, कोई आपके कर्म ऐसे हैं, पाप कर्म, कोई प्रारब्ध है, कोई संचित कर्म है, जिस भी तरह के आपके जो बुरे कर्म है, पाप कर्म है आपके साथ है, जिस वजह से आप जीवन में परेशान हैं, उन सब कर्मों से आपको छुटकारा मिलता है और आपको पुण्य प्राप्त होता है। दो ही चीजें हैं, पाप और पुण्य। पाप खत्म हो गए तो पुण्य जागृत हो गए, पुण्य खत्म हो गए तो पाप जागृत हो गए। पाप जागृत हो गए तो जीवन में दुख मिलेगा, पुण्य जागृत हो गए तो जीवन में सुख मिलेगा। बस यही है, आपके पाप कर्म जागृत हो गए तो आपकी ग्रह दशा भी आपकी पर हावी हो जाएंगी। कोई तंत्र बाधा करता है वो भी तभी होती है आपकी पर हावी, जब आपका ऑरा कमजोर होता है, क्योंकि आपके पाप कर्म जो है वो उस वक्त चरम सीमा पे उदय हुए होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पूजा अर्चना करें, उपासना करें, साधना करें, भगवान की सेवा करें, उनकी शरण में रहें,
भगवान की कथा का श्रवण करें, पुराणों का पाठ करें, यथासंभव जीवन में सतमार्ग पे चले, ईश्वरी सत्ता का सम्मान करें, ईश्वर का सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें। जीवन में जितने भी दोष लगते हैं वो तभी लगते हैं जब आपका पाप कर्म हावी होता है। जब आपका पुण्य जागृत होता है, पुण्य कर्म जागृत होता है, तो कोई भी चीज आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। इस चीज को ध्यान रखें कि जब आप जीवन में बहुत परेशान हैं, वो चाहे किसी भी वजह से, कोई दोष है, कोई पितृ दोष है, कोई काल सर्प दोष है, कोई तंत्र बाधा है, कोई साढ़े साथी लग गई है, भैया लग गई है, कोई ग्रह दशा है, कोई ग्रह ऐसा आ गया है, कुंडली में बैठ गया है जो परेशान करके रखा, तो एक ही चीज मानिए कि आपके पाप कर्म जो है आपके ऊपर उस वक्त हावी हो रहे हैं, पाप कर्म आपके जागृत हुए। इसीलिए पूजा अर्चना करें, उससे क्या होता है कि जो हमारे पाप कर्म है वो समाप्त होते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी क्या मिलता है इससे, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, वो करो, सो करो, भगवान की पूजा करो, धूप दीप करो, वो इसके भूखे नहीं है। अरे भैया पहले समझिए बात को, भूखे नहीं है वो, हम भी नहीं कह रहे कि वो भूखे हैं, लेकिन उससे हमारा जो पाप कर्म है वो कट जाता है। ऐसा भी व्यक्ति दो ही स्थिति में करता है, जब भगवान की निंदा करता है इंसान, वो दो ही वक्त होते हैं, या तो उसका समय अच्छा चला हुआ है, उसके पिछले कर्म अच्छे हैं, अभी समय अच्छा चला है और उसने भी पाप कमा लिया, आगे वो फिर दुख पाएगा, या फिर उसके पाप कर्म इतने ज्यादा उसके ऊपर हावी है कि उसको छोड़ नहीं रहे हो। तो ये चीजें होती है, कारण होते हैं कुछ जीवन में, इस चीज का ध्यान रखें। ये सब चीजें हैं, आप भी शिव की पूजा करें, सेवा करें, शिव के ऊपर हमेशा एक लोटा जल सारी समस्या का हल, इस चीज को गांठ बांध के रख ले। आप कुछ नहीं करना चाहते, कुछ कोई मंत्र जाप नहीं करना चाहते, माला जाप नहीं करना चाहते, कुछ और नहीं करना चाहते, स्तोत्र पाठ नहीं कर सकते, कुछ और नहीं कर सकते, तो केवल एक कार्य करिए, शिवलिंग पर जल समर्पित करें प्रतिदिन। यदि वो भी नहीं हो सकता, आप रोज मंदिर नहीं जा सकते, तो अपने घर पे एक छोटा शिवलिंग लाए, अपने अंगूठे के बराबर एक छोटा शिवलिंग अपने घर पे रखें, नित्य उसकी धूप दीप तो जला ही सकते हैं 2 मिनट, यदि बहुत ही ज्यादा जल्दी में है आप, अंबानी से भी यदि ज्यादा ही काम आपके पास है तो। देखिए ये श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय, जिसने करना है उसने करना है, पेट के किसी को फिर खीर नहीं खिलाई जाती। जो जीवन में सुखी रहना चाहता है, तो समझता है जीवन को, ईश्वरीय सत्ता को, इस कार्य को कर सकते हैं। घर में शिवलिंग रखे, अंगुष्ठ के बराबर एक शिवलिंग रखे, उसकी सेवा करे। और जो लोग ये कहते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रख सकते, उनको कहने दीजिए, कोई यदि कहे कि भैया क्यों रखा है आपने, तो उससे कहना बोलो कोई बात नहीं, मैंने तो रख लिया है, हो सके तो आप भी रख लेना, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है, ज्यादा किसी से ना उलझे, मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। आपकी श्रद्धा है ईश्वर पे, ईश्वर पे विश्वास रखिए, शिव शंकर महादेव पे विश्वास रखिए, देवों के देव महादेव है, जगत पिता है, इस चीज का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात, मृत्यु लोक के जो देव हैं वो महादेव हैं, इस चीज का ध्यान रखें। ब्रह्म देवता ब्रह्म लोक में रहते हैं और विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, और मृत्यु लोक पे शिव शंकर रहते हैं, और हम लोग कहाँ रहते हैं, मृत्यु लोक में। ये धरती को मृत्यु लोक कहा गया है, मृत्युंजय महादेव केवल शिव शंकर महादेव, इस चीज को समझ ले। यहाँ के कर्ता धर्ता सब कुछ शिव ही है, हम ये नहीं कहते कि ब्रह्मा जी नहीं है, विष्णु जी नहीं है, वो है, उनका भी अपना अपना कार्य है। ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में कार्य है, वो वहां का कार्य देखते हैं। विष्णु जी है वो बैकुंठ लोक में है, वहां बैकुंठ लोक का कार्य देखते हैं। आपने क्या पाप पुण्य किए, आप जब जाएंगे इस दुनिया से तो फिर आपको क्या देना है, बैकुंठ लोक देना है या आपको स्वर्ग नरक क्या देना है, वो उसमें वो निर्धारित करेंगे। ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि का,
सृष्टि की रचना करना वो भी शिव के आदेश से ही होती है। और शिव का कार्य क्या है? मृत्यु लोक पे जो हम मनुष्य हैं, हमारा पालन पोषण करना, सब कुछ करना, मोक्ष भोग देना, सब कुछ। तो इस चीज को ध्यान रखें। शिव शंकर महादेव, मृत्युंजय महादेव हैं, धरती के देव हैं, तीनों लोकों के देव हैं शिव शंकर महादेव। स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों लोकों के स्वामी हैं शिव शंकर महादेव हैं। यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो शिव की उपासना करें। महाकाल और महाकाली, माँ जगत जननी माँ जगदम्बा, शिव विश्वास का स्वरूप है और माता श्रद्धा का स्वरूप है। ईश्वर पर विश्वास करें, श्रद्धा अर्पण करें, आपका जीवन मंगलमय होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए हरिओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः।